कहाँ से आ रहा है भाई? ऊपर जाना कि नीचे जाना? भाई साहब गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, हमारे से लैंड पे तो नहीं हुआ, तो हम लोग सीओसी शिफ्ट होने का सोच रहे। तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस, जिसका चैनल हैक किया हम लोगों ने। तो भाई आप कुछ कहना चाहोगे? ऊपर जाना कि नीचे जाना? ना ना भाई, तो पहली वार्निंग दे चुके हैं, ये तो पहले दो वार्निंग दे रहे। हम जा रहे हैं सीपी। सीपी दिल्ली आएंगे, सीपी ना जाए ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोलूं? और ये भी डलता है गाइस, मैं नर्वस हो गया हूं। बड़े-बड़े यूट्यूबर मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो भाई अभी का सीन ऐसा है कि यार कल रात को इनका लैन इवेंट था, वहाँ पे काफी ज्यादा बेचारे हार वर गए, तो दिल विल काफी उदास था इनका। तो कह रहे यार आज आखिरी रात है दिल्ली में, तो उसके बाद ये बैंगलोर चले जाएंगे। तो उससे पहले कह रहे हैं कि यार कहीं बढ़िया सी जगह पे घुमा दे। बैंगलोर मिल रहा है बार 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 सीपी कह रहे हैं। पंख बोल रहा है कि सीपी में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, या कोई रुका हुआ है। दिल्ली में सीपी के सिवा उसके मुंह से कोई नाम ही नहीं निकल रहा, मुझे सीपी छोड़ दो। दिखा दे भाई मुंह, दिखा दे एक बार, मुंह क्यों छुपा रहा है? हंस के और दिखा दे एक बार। हाँ भाई सीपी में क्या क्या है भाई तेरा? सीपी में कुछ नहीं है, दोस्त वगैरह है। दोस्त है यहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी, बट इसका कोई दोस्त है, और वो ही बस एक दोस्त है। कह रहा भाई लेके चलो। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे तू छोड़ना। तो गाइस अभी हमने 2 मिनट का ब्रेक लिया है, स्नैक्स अपना कोई सामान लेने। अरे भाई स्नैक्स के बारे में बता रहा हूँ, स्नैक्स अपना कोई सामान लेने के लिए गया, उसका बैग यहाँ पे रह गया था हम। अरे आगे आ जा स्नैक्स। तो अभी स्नैक्स अपना बैग लेने के लिए गया था हम, अभी अपने ऑफिस में आए थे ना। लगा दूँ भाई एक्सो वाले ऑफिस। अरे बैठ जाना यहाँ, रख दे पीछे, लगा दे जहाँ मर्जी लगा दे, सीट बहुत है पीछे। चल भाई, हमारे भाई साहब अभी यहाँ पे रुकने वाले हैं, और हम चलने वाले हैं गेड़िया मारने फ्राइडे। तो गाइस अभी हमको निकलना है सीपी, 6:37 हो गई है, कोई बंदा वहाँ पे वेट कर रहा है। अभी पता नहीं हमको जाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा होता ही है, और इस चीज से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये बंदा काफी परेशान है, देखो फोन में लगा हुआ है। परेशान क्या भी भाई ले, अरे इंस्टाग्राम देख रहा है गाइस। क्या यार गलत मत ना समझे करो, सरी बालक है यार हमारा एकदम, स्नैक्स के जैसा बिल्कुल एकदम सरी, एकदम सरी तो भाई अभी हम रस्ते में निकलने की काफी देर से बहुत तेजी से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से निकल जाए कोई। भाई कोई तो बंदा वेट कर ही रहा ना, क्योंकि बंदा पीछे मायूस होता जा रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है। और दिल्ली का ट्रैफिक भाई आज पहुंचने शायद नहीं देगा, और मुझे इसी चीज का डाउट है कि बंदा काफी देर वेट करे, फिर वेट करे, और उसके बाद कहे ओ भाई एक काम कर कल मिलियो। कहाँ से आ रहा है भाई? ओए ऊपर से रूफटॉप से सनरूफ। अरे कहाँ जा रहा है? अच्छा तो पीछे से आ क्यों रहा तेरे, किसी ने कुछ खाया? गाड़ी चल रही है इधर, पीछे जो बंदा बैठा ना गाइस उसका नाम है लाइटनिंग, मुझे लग रहा है उसने लाइटनिंग छोड़ी है। बोलो ऊपर वाला, बोलो क्या रहा? खोलो ऊपर वाला भाई, वो तो ऊपर से थोड़ी आएगा भाई, ऐसे भाई सीधा ऐसे ऐसे डाक मार जैसे पानी में कूदते हैं। चल आ रहा है ये, चल 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 टॉप रहेगा ना। लाइटनिंग ने लियो कर दिया पीछे। तो भाई साहब गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, पंख भाई साहब पहले उतर के जा चुके हैं, लाइटनिंग भाई साहब आ गए हैं जिन्होंने इनके साथ कुछ किया था, ये गाड़ी से पीछे उतर के भागे थे भैया बहुत। स्नैक भाई साहब रेडी है अपना मास्क वास्क लगा के, रेडी है, और अब हम ढूंढेंगे पंख सर्च ऑपरेशन। अच्छा गाइस पंख यहीं पे ही है, ओ सॉरी ये शूट नहीं करना था ना। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं जंक यार्ड कैफे, और भाई मैं अपना शूट कर रहा हूँ, अपना भी ना करूँ क्या? गाइस पंख बोल रहे हैं व्लॉग मत बना, हम अपना अपना शूट कर रहे हैं भाई, तेरा शूट नहीं कर रहे। तो अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं, स्नैक्स भाई साहब की खास डिमांड थी कि मेरे को जंक यार्ड कैफे ही जाना है। मेरी कोई डिमांड नहीं, उसने बोला भाई सीपी मैं बोला बस चलना है, क्यों तो कल सुबह गाइस 6 बजे की फ्लाइट है, 6 बजे वे बजे 6 तो गाइस ऑलरेडी बज चुके हैं, अभी 6 बज गए, 12 बजेंगे, हां अभी तो 12 भी बजेंगे, 1 भी बजेगा, उसके बाद पंख के 3 भी बजेंगे, स्नैक्स के भी 12 बजेंगे अभी थोड़ी देर में गाइस। अरे आपका सूट नहीं कर रहे भाई, पंख हमारे आगे चल रहा है, एक्चुअली उसको लग रहा है कि हम उसको सूट कर रहे हैं, हम आपको सूट नहीं कर रहे भाई, हम आपको सूट नहीं कर रहे भाई, मैं तो इधर ही घूम रहा हूं। गाइस हमारे साथ ही है पंख, हम साथ में है, तो हमारे साथ ही, हमारे साथ ही है। अच्छा हम अरे हमसे ही तो मिलना आया था, ठीक है आगे देख क्या।
डांस वांस कर लिया स्नैक्स का, और पंका आपने अभी डांस देखा होगा, गले लग गले लग के दोनों नाच रहे थे, सिनर्जी बढ़ा रहे थे गाइस। अभी अभी हम यहाँ से जाएंगे सेकंड और उसके बाद फिर थर्ड लोकेशन पे, अभी फोर्थ लोकेशन पे भी जा सकते हैं। रात का रात का पता नहीं कौन कौन सी डेस्टिनेशन पे भी हम लोग पहुंच सकते हैं। तू इधर आ जा। तो गाइस ये हमारे साथ पंक है, और पंक के साथ कोई नहीं है, ठीक है। पंक अकेला है, पंक अकेला ही आया था, अकेला ही जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम जिनसे मिलने आए थे वो आ नहीं पाए, तो अभी हम सारे लोंडा लोग घूम रहे हैं एक साथ, इसी वजह से स्नैक्स और पंक एक साथ डांस भी कर रहे थे। प्लान तो था कि डांस किसी और तरह का होगा, बट उस तरह का हो नहीं पाया। हमारी गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ खड़ी है। ये गाड़ी नंबर एक, ये गाड़ी नंबर दो, और वो गाड़ी नंबर तीन हमारी खड़ी है। भाई साहब, ए गाड़ी वाले भैया, गाइस पहले ये वाली गाड़ी हटानी पड़ेगी, फिर ये वाली हटानी पड़ेगी, उसके बाद वो निकलेगी। तो गाइस अभी अभी हम निकल चुके हैं, ठीक है। स्नैक्स भाई साहब बताएंगे अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या हमारी, जहाँ हमारी मंजिल ले जाए। कहाँ ले जाए तेरी मंजिल, तेरी मंजिल, तेरी मंजिल तो नाले में गिरवाई जाए। नाले में चलेंगे, नेक्स्ट तेरी मंजिल के भरोसे हम नीचे चलेंगे। मंजिल नाला है, चलो चलो। ओके गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट मंजिल है हमारी नाला। अभी नाला ढूंढेंगे हम, कहाँ पे नाला है उसके अंदर फिर गाड़ी को कुदाएंगे, फिर यहाँ से ही ना 1v4 करवाएंगे वहीं से। जहर बस्ट डैमेज दो, साइड में आओ, अंदर आओ। तो गाइस अभी लगभग रात के 11:30 बज गए हैं। पंक और स्नैक्स को नई चुल लगी है, एक्चुअली पंक को लगी है। पंक कह रहा है गोलगप्पे खाने हैं, तो यहाँ पे हमने पहले गोलगप्पे गोलगप्पे वाले से चुराए, उसके पास पानी नहीं था, तो हम पत्तल में गोलगप्पे लेके घूम रहे थे, फिर ये भाई हमको मिल गया। ये पानी लेके घूम रहा था गोलगप्पे वाला जितेंद्र। हाँ हाँ, उधर पुलिया पे लगते, ठीक है भाई, आप कल तो पॉपुलर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गोलगप्पे किसी और के, पानी किसी और का, और मुंह पंक का। बता भाई कैसा लग रहा है, आ रहा स्वाद भाई? फाइनली गाइस कुछ तो अच्छा मिला। के पहले जो तूने खाया था उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, और जो पिया था अभी बिना पानी क्या मजा पापड़ी का, अभी पानी मिला उससे पहले जो पिया था तूने, जो उसके अंदर बोतल के अंदर था वो, जो क्या अभी खाली बोतल, और जो वो गिलास के अंदर छोटी छोटी चीजें थी वो, अभी क्या होता है वो मुझे क्या पता, क्या बोल रहे हो, पागल हो गया। तो भाई हमें वापस से यहाँ पे एक और गोलगप्पे वाला मिल गया है, और पंक का वापस से जोश जग गया है गोलगप्पे खाने का। बार बार गाड़ी रुकवा देता है जैसे गोलगप्पे वाला दिखता है। आइए गाइस हम महत्वपूर्ण सजेशंस लेते हैं स्नैक्स भाई साहब के, जो इनको गोलगप्पे खाने का शौक चढ़ा आधी रात में। इसके बारे में कहाँ से चढ़ा, रात के 11:30 हो रहे रात के। अभी एक अलग जगह से पूरी ली है, एक अलग जगह से पानी लिया है, फिर से एक अलग और एक गोलगप्पा वाला मिला, फिर भी खा रहा है। मतलब इंसान है क्या है पता नहीं, रात के 11:30 क्या है इसका रिलेशन उन चीजों से तो नहीं है, जो इन चीजों से जो वहाँ पे जो बॉटल में जो वो छोटा छोटा गिलास थे वो एकदम से नमक के साथ गायब हो जा रहे थे दिमाग में। गोलगप्पा तब से एक घंटे गोलगप्पे किए जा रहे। बट इन अंकल जी का खास धन्यवाद जिन्होंने रात को 12 बजे गोलगप्पे खिला रहे हैं पंक को। अभी एक भाई को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया, सुबह से हमारे साथ घूम रहा है, इसको झांसा दे के लाया था, शाम तक आ जाएंगे। 12:30 बज गया, तो गाइस अभी इसका एक आधा फोटो सेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। पंक भी अपने बाल बाल सेट कर रहा है, इसको फोटो में अच्छा आने का काफी शौक है, और डांस की वजह से आप समझ गए डांस का रीजन क्या होता है। अरे क्या। अभी भाई को छोड़ने के बाद अभी हम वापस से एक और रात के 12 बजे वाले स्टे पे रुके हैं, और यहाँ पे हम खा रहे हैं मटका कुल्फी। तो मटका कुल्फी का एंजॉयमेंट कर रहे हैं मेरे ख्याल से पंक ने साथ, पहले भी खाई होगी, पहले खाई होगी। इनसे पूछते हैं स्नैक्स, आज से पहले मटका कुल्फी खाई है कभी? ये खाई है मैंने। खाई है कहाँ पे मिली? घर पे खाई थी, हैदराबाद में। हैदराबाद में मिलती है। सो गाइस अभी रात के 1 बजे है, और स्नैक्स का चल रहा है फोटोशूट, पंक उसकी फोटो खींचने में लगा हुआ है। अभी हमारा रात में किसी क्लब में जाने का प्रोग्राम बन रहा है, बट शायद क्लब में जा नहीं पाएंगे क्योंकि रात के 1 बज चुके हैं, तो क्लब बंद हो गए होंगे। तो अभी गाइस रात के लगभग 1:30 बजे हैं, पंक भाई साहब क्लब ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं, शरीर में से डांस बाहर निकल के बाहर आ रहा है, बट कोई बीट बजाने वाला बंदा मिल नहीं रहा है जो बाहर निकाल सके उसको। साथ में स्नैक्स भी है, स्नैक्स भी कह रहा है ऐसा लगेगा गाड़ी से उतरो रोड के बीच में स्टार्ट हो जाओ। अभी मेरे को लग रहा है गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम बजा के गाड़ी में गाना नहीं आखिरी में यही करेंगे, ठीक है, गाड़ी में गाना बजाएंगे। अगर मतलब रात में हमें कुछ नहीं मिलता है ना, गाड़ी में गाना, तो फाइनल अपना डेस्टिनेशन आज की यही है
किसी के घर के बाहर लगाएंगे जिस पे एकदम गुप्त सन्नाटा होगा, नाचेंगे शोर मचाएंगे उसको जगा देंगे भग जाएंगे। आज का ये देख लो गाइस, टॉप फ्रैगर रात में क्या करते हैं 1:30 बजे। सो गाइस हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी क्लब वगैरह ढूंढने की, बट क्लब वगैरह मिले नहीं। धीरे धीरे बंदों ने सरेंडर कर दिया है, एक एक करके पड़ गए हैं। और भाई साहब हमारे नए नए शौक चढ़ा रात को 1:30 बजे गाड़ी चलाने का, टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। तो भाई एकदम सेक्सी ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर किसी को बढ़िया ड्राइवर चाहिए हो जो एकदम 50 की स्पीड में चलाए, तो टॉप फ्रैगर के साथ स्नैक्स भाई साहब सेक्सी जबरदस्त ड्राइवर है। तो उम्मीद है मेरे को कि स्नैक्स भाई साहब हमको एकदम स्लोली धीरे धीरे हमारी डेस्टिनेशन पे पहुँचा देंगे। डेस्टिनेशन पे पहुँचाए, सेफली चले जाना, फाइनल डेस्टिनेशन पे ना पहुँचाए। अरे चुप सारे। तो गाइस अभी अरे नहीं बताऊंगा, ये डालूंगा लेकिन ठीक है, कितने ऐसे कह रहा था कि नहीं बताना, ठीक है। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन फर्स्ट स्टेज ऑफ हेलुसिनेशन के बारे में हम बात कर रहे थे अभी। मतलब बता, अभी रात के 3 बजे हैं, हम चाय पी रहे हैं। स्नैक्स भाई साहब ने अपनी चाय खत्म कर दी, आपके लिए चाय मंगा दें? नहीं नहीं, तो हम चाय पी रहे हैं और भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं उधर। भाई टॉम भाई साहब सोच रहे हैं कि कहीं पे मेरे को बिस्तर मिल जाए, मैं जाके सो जाऊं, तो उनको लेके अभी घर पे चलेंगे। उससे पहले हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो व्लॉग को हम बाद में अभी थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे जब जो भी आगे कुछ होगा। फिलहाल फर्स्ट स्टेज ऑफ हेलुसिनेशन। तो भाई चाय वाय पीने के बाद अपन लोग चले गए थे होटल में, फ्लैट पे 5 सितारा होटल में। मजाक कर रहा हूँ, मतलब रात को जाके सो गए थे, अभी जस्ट उठे हैं। भाई का भी पैर में चोट लग गई है, चोट नहीं लगी है, ये देखो ठीक है, छिल गया है। इसने क्या करा ना, जूते के अंदर बेचारा जुराब पहनता नहीं है ये, तो जूता इसका काफी खतरनाक सा था, अंदर उसमें कांटे लगे हुए थे, इसने पैर छील दिया। फिलहाल अभी बेचारा जूते तो छोड़ो, चप्पल पहनने लायक भी नहीं है, इसलिए नंगे पैर बैठा आराम से। तो भाई के अभी मरहम पट्टी कराएंगे और थोड़ा दिल्ली विल्ली इनको घुमाएंगे, उसके बाद रात की इनकी फ्लाइट है, फिर ये लोग चले जाएंगे। उसके बाद ही आपको बैंगलोर में नजर आएंगे वहाँ से स्ट्रीम करते हुए। और आज के व्लॉग में बस रहेगा इतना ही, शुरुआत करी थी इस व्लॉग की स्नैक्स ने, तो खत्म भी यही करेगा। गाइस आप लोगों को मजा आया तो क्या करना है तुम लोगों को पता है, अरे क्या करना है, कैसे करता हूं। ठोक दो गाइस, मिलते रहेंगे ऐसे व्लॉग में, आते रहेंगे। पीस आउट, ओके बाय।